नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल फीस्ट पे। और दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि Xiaomi ने लॉन्च किए थे हाल ही में अपने नए स्मार्टफोन जिसका नाम था Redmi Note 5 Pro और Redmi Note 5। अब दोस्तों, यह है कंपैरिजन वीडियो यानी Redmi Note 5 वर्सेस Oppo F5। अगर दोस्तों हम बात करें इन दोनों के कंपैरिजन की, तो इन दोनों में तो मतलब कोई ज्यादा कंपैरिजन बनता नहीं है क्योंकि इनकी प्राइसिंग में है काफी डिफरेंस देखने को आपको मिल जाएगा। बट अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो प्लीज अभी कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे शानदार वीडियोस लाता रहता हूँ। अब दोस्तों, अगर हम बात करें दोनों के लुक्स के बारे में, तो लुक्स आप पिक्स में देख सकते हैं और ये पिक्स भी है लुक जो आपको शो करेंगी। और अगर रेयर में बात करें, तो दोनों में आपको काफी बढ़िया लुक और डिजाइन मिल जाता है और आपको दोनों में मेटल यूनिबॉडी डिजाइन मिलती है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और अगर हम बात करें इसके फ्रंट लुक के बारे में, तो आपको दोनों में मिल जाता है 5.9 इंच का फुल HD डिस्प्ले, वो भी 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। अब दोस्तों, ये तो थी स्क्रीन के बारे में। अगर हम बात करें दोनों की क्वालिटी के बारे में, तो स्क्रीन क्वालिटी जो आपको दोनों में मिल जाएगी वो काफी बढ़िया मिल जाएगी क्योंकि जो स्क्रीन क्वालिटी है वो है दोनों में फुल HD। तो जो एक्सपीरियंस आपका होने वाला है वो होने वाला है काफी बढ़िया। तो जो स्क्रीन क्वालिटी है वो आपको काफी बढ़िया मिलने वाली है क्योंकि जो एक्सपीरियंस आपका होने वाला है रिलेटेड टू गेम्स, रिलेटेड टू वॉचिंग मूवीज एंड अलॉट मोर, जो होने वाला है वो होने वाला है काफी बढ़िया। अब दोस्तों, अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर और बैटरी के बारे में, तो अगर प्रोसेसर देखिए Redmi Note 5 में, तो आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 625 प्रोसेसर। और जबकि अगर हम देखिए आपको F5 में, तो वहां आपको मिल जाता है मीडियाटेक का 6763T। यानी आपको जो प्रोसेसर दोनों में मिल जाते हैं वो लगभग सेम से हैं और वो मीडियाटेक का प्रोसेसर है। तो जो ये स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर आपको Redmi Note 5 में मिलता है, तो दोनों मतलब अगर एक कंपैरिजन देखेंगे आप, तो आपको समझ में आएगा और लगभग इसमें आपको कोई ज्यादा खास कर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसा भूल जाइए, मतलब ये मीडियाटेक का प्रोसेसर है तो ये स्नैपड्रैगन का कोई सा भी प्रोसेसर हो, चाहे वो 430 450, तो उससे बेकार होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें दोनों के बैटरी के बारे में, तो आपको जो बैटरी है वो लगभग 3200 mAh की मिल जाती है ओप्पो F5 में, और जबकि Redmi Note 5 में आपको मिलती है 4000 mAh की बैटरी। तो जो बैटरी कंजप्शन होने वाला है वो होने वाला है दोनों में लगभग सा सेम, बट जो होने वाला है बैटरी बैकअप वो आपको ज्यादा मिलने वाला है Redmi Note 5 में क्योंकि आपको उसमें मिलती है 4000 mAh की बैटरी। तो अगर आप एक बैटरी वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए ज्यादा बेटर हो सकता है Redmi Note 5। अब दोस्तों, ये तो थी बैटरी, प्रोसेसर और उसके डिस्प्ले की बात। अब मेन हाईलाइट जो है ओप्पो के फोन की यानी ओप्पो F5 की, वो है उसका कैमरा। तो अगर कैमरा कंपेयर की बात करें, तो अगर हम रेयर में देखें, तो ओप्पो F5 में आपको मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का कैमरा, और अगर हम रेडमी नोट 5 में देखें, तो आपको मिलता है उसमें 12 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा। यानी जो उसमें 16 मेगापिक्सल का कैमरा है और इसमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो जो पिक्सल काउंट है वो ज्यादा बेटर आपको मिलने वाले हैं ओप्पो F5 में। हालांकि जो पिक्चर क्वालिटी होने वाली है वो काफी बेटर होने वाली है Redmi Note 5 में भी, क्योंकि आपको उसमें मिलता है 12 मेगापिक्सल का कैमरा। बट अगर एक कंपेयर की बात करें और अगर हम देखें उन दोनों के पिक्चर क्वालिटी में डिफरेंस, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा और थोड़ा बहुत एक प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलेगा ओप्पो F5 में। अब अगर हम बात करें फ्रंट कैमरा के बारे में, तो आपको काफी ज्यादा प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा ओप्पो F5 में क्योंकि आपको उसमें मिलता है 20 मेगापिक्सल का कैमरा, और जबकि आपको Redmi Note 5 में मिलता है सिर्फ 5 मेगापिक्सल का कैमरा, वो भी फ्लैश के साथ। तो आप डिफरेंस जो है वो देख सकते हैं कि इसमें 15 मेगापिक्सल का डिफरेंस लगभग आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा है। तो अगर आप एक सेल्फी सेंट्रिक पर्सन है, तो आपके लिए काफी बेटर होने वाला है ओप्पो F5। बट रुकी, अगर आप खरीदना चाहते हैं ओप्पो F5 उतने ही कॉस्ट में, उतने ही प्राइस में, तो आप बेशक ले लीजिए Xiaomi Redmi Note 5 Pro क्योंकि वो ओप्पो F5 से काफी बढ़िया है। उसका प्रोसेसर भी काफी बढ़िया है और आपको उतनी स्क्रीन ही मिल जाती है, लगभग 6 इंच की स्क्रीन दोनों में आपको मिल जाएगी, वो भी फुल HD। तो आपका मतलब अगर आपको लेना है तो आप ओप्पो F5 ले सकते हैं। बट अगर रिकमेंडेशन की बात करें, अगर आप उतना पैसा वेस्ट करना चाहते हैं यानी स्पेंड करना चाहते हैं, तो आप Redmi Note 5 Pro को लीजिए जो कि उससे काफी सस्ता है। और अगर आपको एक कंपेयर करना है यानी सिर्फ कंपैरिजन के लिए आप देख रहे हैं, तो आपका जो Redmi Note 5 होने वाला है वो भी काफी बढ़िया है। और इन दोनों में लगभग कोई कंपैरिजन बनता नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं काफी ज्यादा डिफरेंस इन दोनों की प्राइसिंग में। अब दोस्तों, बात यह है कि जो डिफरेंस है इसकी प्राइसिंग में, वो लगभग आपको F5 आपको आपको मिल जाता है 20,000 रुपीज में, और अगर Redmi Note 5 को हम देखें, तो आपको लगभग मिल जाता है 10,000 रुपीज में दोनों के 4GB वेरियंट्स के लिए। तो
तो 4GB वेरियंट अगर आप लेना चाहते हैं इसमें 4GB 64GB वेरियंट, तो आपको 11,000 में मिलेगा रेडमी नोट 5। अब मतलब भी क्या है कंपैरिजन आप देख सकते हैं, अगर आपको चाहिए एक बेस्ट कैमरा वाला फोन तो आप जा सकते हैं ओप्पो F5 की तरफ, क्योंकि आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा उसमें मिलता है और रेयर में भी आपको काफी बढ़िया कैमरा मिलता है 16 मेगापिक्सल का और लुक्स भी आपको काफी बढ़िया मिलती है। मगर अगर आप ज्यादा पैसा नहीं वेस्ट करना चाहते, नहीं स्पेंड करना चाहते, तो आप बेशक ले लीजिए रेडमी नोट 5, क्योंकि आपको इसमें फुल एचडी डिस्प्ले भी मिलती है, 4000 mAh की बैटरी मिलती है और जो फ्रंट कैमरा है वो तो अच्छा मिलता ही है 5 मेगापिक्सल का, जो कि आप HD वीडियो शूट कर सकता है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और बट अगर रियर कैमरा की बात करें तो वो भी काफी बढ़िया होने वाला है, तो एक बेसिक सा कॉम्पैक्ट पैकेज आपके लिए Redmi Note 5 है। अब दोस्तों अगर आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद तो प्लीज कर दीजिए इसको लाइक, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज अभी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे शानदार वीडियोज लाता रहता हूँ। और दोस्तों मर्जी आपकी है, आपको जो पसंद आए आप खरीद लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए